खबर हर पल चैनल पर प्रकाशित खबर, गहना गिरवी रखवा कर प्रसव के एवज में लिया रुपया। मामले का जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत ने संज्ञान लेते हुए जांच का जिम्मा सिविल सर्जन अभय कुमार चौधरी को सौंपा था। सिविल सर्जन ने तत्काल मामले की छानबीन करते हुए पीड़िता लाजो देवी की माँ पत्थर की देवी से 1500 में गहना गिरवी रखकर जिस ANM को रुपये देकर प्रसव करवाया था उसकी पहचान सिविल सर्जन के सामने ANM कुमारी ममता और नीरू कुमारी के रूप में किया गया है। इसके बाद उन्होंने प्रथम दृष्टया मामले को सही पाते हुए दोनों ANM को निलंबित करते हुए इसकी रिपोर्ट जिला पदाधिकारी पूर्णिया, क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया, निदेशक प्रमुख नर्सिंग स्वास्थ्य सेवा बिहार पटना को भेजा है। भेजे गए रिपोर्ट में उन्होंने इस कृत कार्रवाई से ANM नीरू कुमारी और ANM कुमारी ममता सहित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नगर, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कस्बा व अमोर, कोषागार पदाधिकारी पूर्णिया को भी सूचित किया है। सिविल सर्जन के द्वारा भेजे गए आदेश में उन्होंने बताया है कि ANM नीरू कुमारी और ANM कुमारी ममता को प्रसव कराने के लिए मांगे पैसे के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस दौरान दोनों ANM को बिहार सेवा संहिता नियम 96 एवं 96(1) के अंतर्गत जीवन भत्ता देने की बात कहे हैं। वहीं बिहार सरकार सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियमावली 2005 के नियम 10 के अंतर्गत केवल उसी अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता देने की बात कही गई है जिस अवधि में वह मुख्यालय में उपस्थित होकर उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज करेंगी तथा नियम 10(2) के शर्तों का पालन करेंगी। ANM नीरू कुमारी को निलंबन की अवधि में मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कस्बा कार्यालय और कुमारी ममता को मुख्यालय रेफरल अस्पताल अमोर कार्यालय निर्धारित किया गया है। वहीं इन दोनों ANM पर विभागीय कार्रवाई करने की बात कही गई है। इस मामले में सिविल सर्जन अभय कुमार चौधरी ने बताया कि जिला पदाधिकारी के द्वारा संज्ञान लेने के बाद उन्हें जाँच का जिम्मा मिला था। उन्होंने पीड़ित परिवारों से रुपये लेने वालों की शिनाख्त करवाई तो ANM नीरू कुमारी और कुमारी ममता के रूप में पहचान हुई। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं इसकी विस्तृत जांच के लिए टीम गठित की गई है। इस कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो CS साहब ने जो एक्शन लिया उनके ऊपर वो काबिले तारीफ है और बिना किसी दबाव के ये जिस तरह से एक्शन लिया, और ये हम पहले से भी कल हॉस्पिटल भी आए, इससे पहले भी आते थे, तो इनका बहुत ज़्यादा शिकायत था। ये जो घटना घटी है हमारे पंचायत में, इससे ये बहुत आज के दौर में इस युग में जबकि आवाम जनता जाग चुकी है, इस युग में उन्होंने हमारे जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उनसे अवैध उगाही की और उनका जो मानसिक शोषण किया है, ये माफ़ी के लायक नहीं है। और CS साहब ने इस बात को समझा और उन्हें निलंबित किया है। अब जो भ्रष्टाचारी में संलिप्त लोग हैं उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि लोग जागरूक हो चुके हैं, अब आप लोगों को सुधरना पड़ेगा, जगह पर आना पड़ेगा। अगर अभी जगह पर नहीं आए, अभी जिस तरह से देख रहे हैं झुन्नी इस्तमरार की जनता ने और यहाँ के प्रतिनिधि ने जो बेरा उठाया कि हम साफ करेंगे, भ्रष्टाचार को साफ करेंगे, तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन साफ हो रहा है, वो रुझान आप लोगों को मिलना शुरू हो चुका है कि भ्रष्टाचार किस तरह से साफ हो रहा है। बहुत मुश्किल काम है लेकिन फिर भी हम लोगों ने बेरा उठाया तो करना है। कहीं ना कहीं कीचड़ में घुसिएगा तो कीचड़ का सामना करना पड़ेगा, कीचड़ का भी सामना करना पड़ेगा और बहुत सारे इल्ज़ाम भी आएंगे। ये सब इल्ज़ाम ही है, हम भैया भ्रष्टाचार को ख़त्म करो, हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। अगर आरोप लगाना होता तो मैनेज पहले नहीं कर लेते, कहा आप लोगों को यहाँ तक खबर पहुँचती ही नहीं। लेकिन हम लोगों ने बेरा उठाया है कि भ्रष्टाचार को साफ करना है तो साफ करना है, भले समय लगेगा, लेट होगा, लेकिन धीरे धीरे साफ होगा, वो रुझान आप लोगों को मिल रहा है। अभी पत्थर की देवी का जो न्याय था मिल चुका है, पत्थर की देवी का जो गहना रखा हुआ क्या वो उसको मिलेगा कि नहीं? वो मिलेगा। हम लोगों ने जिस दिन सुना, ये बहुत निंदनीय घटना है, बहुत आश्चर्य हम लोगों को, हम लोग उनका गहना को छुड़ा करके उनको देंगे, ठीक है। लेकिन अब जब जाँच तो हो चुका है, अब निलंबित भी शायद हो गया है, वो अब गहना उनको छुड़ा करके हम लोग गहना उनको दे देंगे। क्या परिचय आपका? मेरा नाम है इरशाद पुरनवी, मुखिया प्रतिनिधि झुन्नी इस्तमरार। उस महिला के साथ अगर वो गलत किया है, प्रसव कराने आया, पैसा नहीं था, उसका जेवर गिरवी रख के और वो सब लिया, और कल जो गया था वहाँ हम लोग भी गए थे तो महिला से पूछे तो वो बताया कुछ बात, वो बात सही, हम लोग भी जाँच पड़ताल किए, बात सही है, और सिविल साहब ने जो जाँच करके कार्रवाई की है उस सब में हम लोग संतुष्ट हैं। अब मांग करेंगे आगे जिस तरह का अवैध उगाही होता है, देखिए अगर आगे किसी तरह का होगा तो हम लोग हैं और हम लोग भी देखेंगे।
क्या परिचय है? मेरा नाम मोहम्मद चुन्नू बसीर पैक्स। ये जो मानवता को शर्मसार करने वाली ये बिंदु था, इसको लेकर के जो कर्मी उपस्थित हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे अपील करना हम यही चाहते हैं कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या कि गरीब सब आता है यहाँ प्रसव कराने, और जो भी काम है वो अपना देखें, सुधार करके करें। जनता जागरूक हो चुकी है? जनता तो जागरूक है, अभी ऐसे थोड़े जनता सो गए हैं, जनता हमेशा जागरूक है और जागरूक रहेंगे। हम इनसे खुश हुए, बहुत खुश हुए कि निलंबित हुआ, तो आज हम लोग को खुशी मिला कि जो गलत था उसको निलंबित किया गया। और सवाल दूसरा, पहला सवाल है कि आज ये निलंबित हुआ, ये गलत था निलंबित हुआ, इंक्वायरी भी हुई और इंक्वायरी होने के बाद सही रिपोर्ट उसको मिला। ये तो यहाँ तक आने का मतलब है कि खुद अब जब सीए आने का बात है, जब सीए से बात होता, ये खुद चला गया पत्र की देवी को लाने के लिए। गलत था तब ने आपने पत्र की देवी को लाने गए, यानी कहीं ना कहीं मैनेज करने का प्रयास किया। एकदम मैनेज करने का प्रयास था। आप लोगों पर भी आरोप लगाई है ममता की, ऐसे ऐसे लोग हैं जो सरपंच साहब थे, मुखिया जी थे, पैसा का उगाही कर रहे थे, नहीं दिए, हमारे साथ इस तरह का समस्या आया। ऐसा कोई बात नहीं है, वो अभी बहाना बना रहा है कि पैसा मांग रहा है। आज कहीं पर आवाज पता कर लीजिए कि हम लोग पैसा लेने का काम नहीं करते, भ्रष्टाचार मुख पंचायत करने का काम करते हैं। सवाल उठता है कि उस महिला का दुख में आपको तो उनको देखना चाहिए कि ये किस हालात में है, इससे हम जो पैसा मांग रहे हैं उसी समय आप वहाँ पर गलत कर दिए। हम तो इतना कहते हैं कि कम से कम हॉस्पिटल में जितना है आवे जैसे मरीज, उसको सम्मान इज्जत दीजिए कम से कम। और इतना पता चला था कि बेभद्र भाषा भी गाली देता है, घर में गए, ये खुद मेरा भतीजी उसका पेशाब कराया, ये गाली बक रही थी। जब रात भी बात चला था, सब जानकारी होना स्टार्ट हो गया, ये गाली भी बकती थी, यानी कि अभद्रता का चरम पर था। अभद्रता का पूरा चरम पर था और उस पर हम लोग पर विरोध है, वो लगा रहा है कि 20,000 टका मांग रहा था सरपंच और मुखिया सबर, उसमें पत्रकार को भी दिया है। ये गलत है, ये अपना झूठा को बचाने के लिए वो हम लोग पर विलम्ब लगा रहे हैं। तो आप लगा रहे हैं तो आपका कोई तरह का बात होगा, तो आप दिखाइए हम लोग को। ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे जो अभी भी पैसा लेन देन का माध्यम बना के रखे हैं? हम तो उनसे अपील करेंगे, आप होशियार हो जाइए यहाँ से, और कोई भी अगर आता है हॉस्पिटल उसका सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। अरे हॉस्पिटल गरीबी के लिए ना बना है, कोई बड़ा आदमी तो नहीं ना आएगा, कोई मजदूर आएगा कि और गरीब टपका ही आदमी ना आता है यहाँ। तो आप जान रहे गरीब टपका आदमी आ रहा है, जब आपको खुद सरकार वेतन देता है, हर चीज़ देता है, अच्छा अच्छा वेतन मिल रहा है आपको, जब यहाँ एम्बुलेंस उपलब्ध है, आप नहीं कह सकते हैं एम्बुलेंस को कि लाना भी और पहुँचाना भी है एम्बुलेंस से, वो मरीज टेम्पू लेकर के आती है फिर यहाँ से मरीज टेम्पू लेकर के जाता है, वो तो उनका पैसा खर्चा हो रहा है, तो एम्बुलेंस खाली खड़ा रहने के लिए है क्या? तो व्यवस्था में सुधार के लिए सीए साहब मैंने ना मैं सीए साहब का धन्यवाद करते हैं। सीए साहब के सामने हम लोग बैठे थे और बहुत अच्छा से सीए साहब ने लिया, और सीए साहब से हम बहुत खुश हैं कि इस तरीका का मामला में सीए साहब बहुत अच्छा काम किया, और सीए साहब सबको हिदायत भी कर दिया है कि कोई तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए, अच्छा से अच्छा इलाज होना चाहिए और अच्छा से सबको सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग इस पर छानबीन करते रहेंगे, आप तो पूरा छानबीन करेंगे, एक रत्ती शिकायत मिलेगा किसी का तो फिर हम उसको धर दबे जाएंगे। क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है? काहे हो रहा है क्योंकि हम लोग को प्रतिनिधि है, जनता चुन के भेजा है, जवाबदेही है, वो मेरा गांव से आएगा जनता और यहाँ सही इलाज में उसके साथ में पैसा ठका होगा तो हम लोग को तो खबर आएगी ना, हम तो छोड़ेगा नहीं ना, हम तो छोड़ेंगे नहीं। अब अभियान शुरू है, एकदम अभियान शुरू है, सुधार कर ले। क्या परिचय है? मोहम्मद शौकत आलम, उप सरपंच झुन्नी इस्तमरा। पूरा भ्रष्ट के खिलाफ हमेशा मेरा नारा ऊपर रहेगा, चाहे वो प्रखंड रहे, थाना रहे या पुलिस रहे, कहूँ रहे, भ्रष्टाचार को देखने नहीं चाहते हम लोग। मेरा मुखिया भी यही सिद्धांत है कि भ्रष्टाचार को देखना न है, जो हमारा समाज का अंतिम व्यक्ति का मुंह में बोल दिए हम लोग और हमेशा बोल रहेंगे, उसके लिए इंसाफ के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, ठीक है। जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त है उसको क्या कहेंगे? आप सुधर जाए, ये सब देख के भ्रष्टाचार सब सुधर जाए, ठीक है। इसलिए आने वाला समय इससे और ज़्यादा जब भ्रष्टाचार होगा तो इससे ज़्यादा और हम लोग सहयोग करेंगे, लोग को कार्रवाई कराएंगे। क्या परिचय है? मेरा नाम मोहम्मद अबरुद्दीन, 12 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य, के नगर युवा राजद के प्रखंड सचिव।